हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। देखिए, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जीन क्लोनिंग क्या होती है, साथ ही साथ देखेंगे जीन क्लोनिंग की क्या क्या उपयोगिता है। देखिए, इसके पहले हमने प्रीवियस वीडियो में आपको क्लोनिंग क्या होती है और कई सारे क्लोनिंग के प्रकार भी करा दिए थे, उसमें से एक क्लोनिंग और है जीन क्लोनिंग। देखिए, इसके पहले आप कोशिकीय क्लोनिंग यानी सेल क्लोनिंग, साथ ही साथ प्लांट क्लोनिंग और एनिमल क्लोनिंग को भी देख चुके हैं। अब आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जीन क्लोनिंग क्या होती है। तो देखिए, एक विशिष्ट जीन के अनेक प्रतिकृति तैयार करने की जो विधि होती है वही क्या कहलाती है, जीन क्लोनिंग कहलाती है। सेम जैसा कि आपने प्लांट में देखा है और एनिमल में कि एक जीव के सेम हूबहू दिखने वाली समान प्रतिकृति ही क्या कहलाती है, क्लोन कहलाती है। तो क्लोन के परिणाम स्वरूप जो बनने वाले समान जीवित इकाइयां होती है उनके बनने की जो प्रक्रिया होती है वही तो क्या कहलाती है, क्लोनिंग कहलाती है। तो यहाँ पे जीन क्लोनिंग का मतलब है कि अब यहाँ पे क्या बनेंगे, जीन बनेंगे। तो एक जीन से कई सारे जीन की यदि कापियाँ यानी कि कई सारे जीन की यदि प्रतिकृति तैयार हो जाती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, जीन क्लोनिंग कहते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत सबसे पहले क्या किया जाता है कि किसी भी विशिष्ट जीन के खास जीन को रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज की सहायता से काट करके अलग किया जाता है। देखिए, इसके पहले भी आप देखे हैं कि जब आप डीएनए पढ़े थे वहाँ पे भी आप देखे हैं कि रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज जो होता है यह एक प्रकार का एंजाइम होता है जो कि डीएनए अथवा जीन्स के खंडों को आपस में काटने के लिए या तोड़ने के लिए जिम्मेदार होता है। और इसके अलावा एक और एंजाइम आप देखें जिसका नाम है लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम का काम क्या होता है, डीएनए के या जीन्स के आपस में खंडों को जोड़ना। तो यहाँ पे देखिए, अब जीन या डीएनए के खंडों को आपस में तोड़ा जाएगा तो तोड़ने के लिए एक एंजाइम का यूज किया जाएगा जिसका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या किया जाएगा जीन क्लोनिंग तैयार करने के लिए कि एक विशिष्ट जीव के किसी खास जीन को रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से पहले तो काट करके अलग किया जाता है और इसको काट करके अलग करने के पश्चात इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया जाता है। और इलेक्ट्रोफोरेसिस जो कि एक जेल रूपी बिलियन होता है। अब इसके द्वारा इसको क्या किया जाता है कि डीएनए के जो शेष खंड होते हैं इनको कोशिकीय डीएनए से क्या कर दिया जाता है, पृथक कर दिया जाता है। और इस प्रकार से डीएनए की कई सारी प्रतिकृति यानी कि कॉपी जो है तैयार की जाती है। तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि जीन क्लोनिंग को तैयार करने के लिए किसी भी जीव के अंदर उपस्थित विशिष्ट जीन को बाहर निकाला जाता है और उसके जीन के अंदर स्थित डीएनए के खंडों को आपस में काट करके अलग किया जाता है। किसके थ्रू, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से। अब काट कर अलग करने के पश्चात क्या किया जाता है, इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल के द्वारा इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल में डाला जाता है। उसके पश्चात जो शेष डीएनए के खंड हैं उनको कोशिकीय डीएनए से भी क्या कर लिया जाता है, पृथक कर लिया जाता है। तो कोशिका के अंदर उपस्थित जो डीएनए है उससे इनको पृथक कर लिया जाता है और इस प्रकार से फिर डीएनए या जीन की कई सारी प्रतिकृतियाँ जो है तैयार की जा सकती है। देखिए, कई बार जीन क्लोनिंग की उपयोगिता भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, सबसे पहले जीन क्लोनिंग की उपयोगिता क्या है कि इसके द्वारा किसी भी प्रकार से अनुवांशिक गुणों को प्राप्त किया जा सकता है। मतलब क्या है यहाँ पे कि जो आपके अंदर विशिष्ट जीन उपस्थित हैं यदि उनमें कोई गड़बड़ी युक्त जीन है तो उनको बाहर निकाल करके उनके अंदर वंचित यानी कि अच्छे गुणों वाले जीनों का समावेश किया जा सकता है। दूसरा देखिए उपयोग क्या है जीन क्लोनिंग का कि इस तकनीक के द्वारा कई बीमारियों से भी बचा जा सकता है। अब देखिए, हमने आपको क्या बताया था कि जीन क्लोनिंग में क्या होता है, कभी कभी जीन क्लोनिंग के अंदर जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं उनके क्रम में कभी कभी गड़बड़ी आ जाती है। तो यदि नाइट्रोजनी क्षारकों के क्रम में यदि गड़बड़ी आ जाती है तो कई सारी बीमारियाँ जो है उससे पैदा हो जाती है। तो इसके द्वारा क्या किया जाता है कि जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू यह जीन क्लोनिंग किया जाता है। और जीन क्लोनिंग के माध्यम से क्या किया जाता है कि अच्छे गुणों वाले जीनों का समावेश कराया जाता है जिस कारण से जो क्षारकों का क्रम बिगड़ा हुआ होता है वो क्या हो जाता है, फिर से बन जाता है और कई सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। तीसरी उपयोगिता क्या है कि देखिए, इस तकनीक के द्वारा कई बीमारियों से संबंधित दवाइयों का भी संश्लेषण किया जा सकता है। तो एंटीबायोटिक या एंटीबॉडी से संबंधित कई सारी ऐसी दवाइयां हैं जिनका कि संश्लेषण किया जा सकता है, किसके थ्रू, जीन क्लोनिंग के परिणाम स्वरूप। अगली उपयोगिता क्या है कि देखिए, उपयोगी
वह दूध देने वाली, या इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि उत्तम किस्म की प्रोटीन प्रदान करने वाली जंतुओं को भी पैदा किया जा सकता है। तो जीन क्लोनिंग के परिणाम स्वरूप अच्छे जीनों का समावेश करा करके अच्छे दूध देने वाली व प्रोटीन देने वाले जंतुओं को भी पैदा किया जा सकता है। आखिरी उपयोगिता क्या है इसकी यहाँ पे, कि देखिए उच्च गुणों वाले जीवों को भी सरलता से प्राप्त किया जा सकता है और कम समय में भी प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा कई सारे जीन क्लोनिंग की उपयोगिताएं होती है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान देनी है कि जीन क्लोनिंग की जो उपयोगिता है, इसमें बेसिकली किसी भी विशिष्ट जीन को समावेश कराया जाता है और वंचित जीनोटाइप लक्षण को भी, वंचित जीनोटाइप वाले लक्षण को भी समावेश कराया जाता है और कई सारे अच्छे गुणों का समावेश करा करके जो गड़बड़ी युक्त जीन है उनको बाहर निकाला जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जीन क्लोनिंग आपको समझ में आ गई होगी। जीन क्लोनिंग क्या होती है, जीन क्लोनिंग की उपयोगिता कई बार आपके एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।